नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में कई लोगों का जो मेडिकल स्टोर करने की सोच रहे हैं, उनके मन में ये जरूर डाउट आता है कि हम कैसे सीखें मेडिकल स्टोर का काम। हम घर बैठे सीख जाएंगे अपने YouTube की वीडियोस देख देख कर, स्क्रॉल कर कर के इनका याद कर लें कि ये काम आती है, या फिर अपना एक मेडिकल स्टोर पर लगकर कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू, बिना टाइम गवाए। तो स्वागत है आप सभी का आज के एक न्यू वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि वीडियो का उद्देश्य क्या है आज के बनाने का, तो इसी के बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे कि अगर कोई मेडिकल स्टोर पर खोलना चाहता है अपना, तो वो क्या करे। भाई यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज हैं कि अपना सुफिक्स ऐड कर लो, उनके प्रीफिक्स ऐड कर लो, कि लास्ट का वर्ड उनका ऐड कर लो। जैसे कोई भी लगा लो, अपना टैबलेट लगा लो, मेट्रिंडाजोल लगा लो, उसका एजोल ऐड याद कर लो कि ये काम आता है। और किसी का जैसे बीपी की होती होगी या प्रोपेनॉल वगैरह होगी ऐसी टाइप की, कि ये याद कर लो अपना। इससे आपको मेडिकल स्टोर का पता लग जाएगा कि कौन से दवाइयाँ क्या क्या काम आती है। तो भाई मेरे तो ऐसे कुछ पल्ले पड़ा नहीं था, टू बी फ्रैंक मैं कहूँ तो ऐसे तो मुझे कोई समझ नहीं आया था। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आएगी, प्रैक्टिकल पता लगेगा आपको कि कौन सी दवाई क्या काम आती है। जब आप एक मेडिकल स्टोर पर लगोगे तब पता लगेगा, जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगा यार, लोग अपने खाली स्ट्रिप लेके आएंगे कि इसके साथ दे दो, तो आप साथ के साथ अपना सर्च करके देख सकते हो कि क्या काम आती है मेडिसिन। वो आपको ज़्यादा याद रहेगा कंपेयर टू आप लास्ट वाला वर्ड उसका ऐड करोगे। तो बाकी करने का कोई कर सकता है, मेरे में इतना दिमाग नहीं था भाई कि सफिक्स का ऐड करके अपना दवाइयों का पता लग जाए कि ये काम आती है। क्योंकि सफिक्स यार लास्ट में जो वर्ड होते हैं उनके काफ़ी ही मतलब होते हैं, कई मतलब होते हैं। प्रोपेनॉल वगैरह अलग हो गया, किसी का अलग काम हो गया। ऐसे ही ओल्ड अगर हम याद करेंगे, जैसे एलोप्रोनॉल हो गया, ये अलग अलग होते हैं। तो इसके हिसाब से आप कंफ्यूजन रहोगे। तो सीधा शॉर्ट में सबसे बेस्ट तरीका क्या है मेडिकल स्टोर काम सीखने का, तो मेडिकल स्टोर पर लग सकते हो। डिपेंड करते हैं आपने कितने टाइम में काम सीख जाओगे, 6 महीने 1 साल तो कम से कम लगाना, तभी आपको बेसिक सारा कवर रहेगा कि क्या क्या हिसाब होता है, क्या क्या रिकॉर्ड रखना होता है। तो होप आपको जवाब मिल गया आपके क्वेश्चन का कि क्या बेटर रहेगा मेडिकल स्टोर का काम सीखने के लिए। इधर अपना मेडिकल स्टोर पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आप कहने लग कर, और इधर अपना यूट्यूब की वीडियोस देखकर। बाकी मेडिकल स्टोर पे लग के अपना यूट्यूब की वीडियो साथ साथ देख सकते हैं बंदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।